अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, न्यू बयान, जोगेश्वरी, मुंबई। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को मैं शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर किया ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज देखने को मिले। किसी को उतार लूंगा हजरत तो अकेले दिन भर का खर्चा तो निकल जाएगा। खाली हाथ जाने की बजाय जुब्बा ही छीन लो हजरत का। पीछे से गया और जुब्बा पकड़ा, सही नियत से पकड़ा था। बोलो, सही नियत से पकड़ा था, कादरी बनने की नियत से पकड़ा था। नहीं, चोरी नहीं, डकैती की नहीं, क्योंकि चोरी चुपके से चुरा में वो कहते हैं और डकैती छीनते वो कहते हैं। चोरी से बड़ा दर्जा डकैती का है ना, ना? इसीलिए आकर सलाम फरमाते, जो बिन दावती किसी के यहाँ जाए वो चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर निकलता है। ये है, तो चोरी से जो काम किया जाए उसको चोरी कहते हैं, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा था, डकैती कर रहा था। उसने जुब्बा पकड़ा पीछे से, वो गौसपाक था। गौसपाक कहते हैं, तुम सुधरोगे ना मैं तुम्हें सुधारूंगा, नहीं सुधरोगे ना ये गौस है, इन्हीं को गौस आजम कहते हैं। नहीं सुधरोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सुधारने के लिए मेहनत करूंगा। क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करे तो इलाज कौन करेगा। ये शान है मेरे गौस की। तो गौस पाक का जो जुब्बा उसने पीछे से पकड़ा, निगाहें उठ गई और क्या कहते, अल्लाह अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लिया है, अब दामन की लाश तेरे हाथ में है। इतना कहना था, वो चोर को अल्लाह ने उसी वक्त मकाम में तकबीर अता फरमाया। पकड़ ले तो कुतुब बन जाता है। आपने कैसा दामन पकड़ा है बंबई वालों।